स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? ए 500, बी 1000, सी 718, डी 2000। आंसर सी 718। एक्सप्लेनेशन: भारत में पहली बार हिम तेंदुए की आबादी का आकलन 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या 718 है। सबसे अधिक लद्दाख 477 में, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर में है। अगला प्रश्न: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ए उदय कोटक, बी अनिल अंबानी, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी सतनाम सिंह संधु। आंसर डी सतनाम सिंह संधु। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह संधु को संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सतनाम सिंह संधु ने 2001 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज HCGC की स्थापना की। वही साल 2012 में उन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न: हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ए संजीव जोशी, बी अमिताभ घोष, सी अनिल चौहान, डी अजीत डोभाल। आंसर ए संजीव जोशी। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर लॉन्च की। पिछले कई वर्षों में जोशी द्वारा लिखित ये पुस्तक 75 कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न: NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। आंसर बी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन: NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL ने प्रति वर्ष 1 मिलियन टन क्षमता तक ग्रीन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव ग्रीन अमोनिया ग्रीन मेथनॉल के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता अगले 5 वर्षों के लिए किया गया है और लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगला प्रश्न: ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता? ए सौरभ चौधरी, बी दिव्यांश सिंह पनवार, सी अर्जुन बाबुता, डी मोहित बंसल। आंसर बी दिव्यांश सिंह पनवार। एक्सप्लेनेशन: भारत के दिव्यांश सिंह पनवार ने काहिरा में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। ओलंपियन दिव्यांश सिंह पनवार ने क्वालिफिकेशन राउंड में 632.4 के स्कोर के साथ टॉप पर रहे। वहीं भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने महिला वर्ग में रजत पदक जीता। आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए पूर्ण बजट, बी लेखानुदान बजट, सी अनुपूरक बजट, डी अंतरिम बजट। आंसर डी अंतरिम बजट। एक्सप्लेनेशन: आम चुनाव से पहले बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश कर दिया। अगला प्रश्न: झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे के पीछे क्या कारण था? ए उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत खो दिया, बी उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, सी उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने गिरफ्तार किया था, डी उन्हें उनकी पार्टी द्वारा पद छोड़ने के लिए कहा गया था। आंसर सी उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने गिरफ्तार किया था। एक्सप्लेनेशन: भूमि घोटाले में ED द्वारा पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। झामुमो के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की जगह नए CM होंगे। अगला प्रश्न: अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? ए रक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। आंसर ए रक्षा मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। ये छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ के साथ सबसे अधिक आवंटन दिया गया है। इसके बाद 2.78 लाख करोड़ के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न: किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? ए राजस्थान, बी
हरियाणा। सी उत्तर प्रदेश। डी मध्य प्रदेश। आंसर सी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य से फाइलेरिया को खत्म करने के मिशन के हिस्से के रूप में एक वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है। यह अभियान 5 से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। यह अभियान प्रदेश के 17 जिलों में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न: किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ए रॉजर बिन्नी, बी जय शाह, सी सौरव गांगुली, डी कपिल देव। आंसर बी जय शाह। एक्सप्लेनेशन: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बाली में ACC की वार्षिक आम बैठक में यह फैसला लिया गया। शाह अपने कार्यकाल के दौरान अंडर 19 फॉर्मेट के महिला T20 एशिया कप और इमर्जिंग एशिया कप का सफल आयोजन कराया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में की गई थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? ए आर्द्रभूमि और आर्थिक विकास, बी आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन, सी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, डी आर्द्रभूमि और सतत उपयोग। आंसर सी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। एक्सप्लेनेशन: विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये हमारे पर्यावरण में आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने का दिन है। 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 80 हो गई। अगला प्रश्न: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? ए GDP का 3.5%, बी GDP का 6.0%, सी GDP का 5.1%, डी GDP का 4.5%। आंसर सी GDP का 5.1%। एक्सप्लेनेशन: 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP के 5.1% पर लक्षित है, जो 2023-24 में GDP के 5.8% के संशोधित अनुमान से कम है। वित्त वर्ष 25-26 तक 4.5% तक पहुंचने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न: किस भुगतान बैंक को नियामक मानदंडों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए RBI से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा? ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बी फिनो पेमेंट्स बैंक, सी जियो पेमेंट्स बैंक, डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आंसर डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। एक्सप्लेनेशन: RBI ने मार्च 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियामक मानदंडों के उल्लंघन और लगातार गैर अनुपालन के बारे में चिंताओं के कारण कार्रवाई की गई। अगला प्रश्न: केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ए 3 करोड़, बी 3.5 करोड़, सी 4 करोड़, डी 4.5 करोड़। आंसर ए 3 करोड़। एक्सप्लेनेशन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में स्वयं सहायता समूह के तहत लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना की सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्लम्बिंग, LED बल्ब बनाने और ड्रोन के संचालन और उनकी मरम्मत जैसे कौशल से प्रशिक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न: झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए हेमंत सोरेन, बी चंपई सोरेन, सी अर्जुन मुंडा, डी दिकुराम सोरेन। आंसर बी चंपई सोरेन। एक्सप्लेनेशन: झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने हेमंत सोरेन का स्थान लिया, जिन्हें हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ED ने एक केस में गिरफ्तार किया था। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राजभवन में चंपई सोरेन को पद की शपथ दिलाई। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ए नोएडा, बी फरीदाबाद, सी गाजियाबाद, डी गुड़गांव। आंसर बी फरीदाबाद। एक्सप्लेनेशन: 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 कला, संस्कृति और विरासत का एक जीवंत उत्सव है, जिसका उद्घाटन 2 फरवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। यह मनमोहक मेला सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड नाम का हिंदी में अनुवाद सूर्य की झील है, जो 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक जलाशय है। अगला प्रश्न: उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ए रंजना प्रकाश देसाई, बी विमल सक्सेना, सी विनय रावत, डी साक्षी खंडूरी। आंसर ए रंजना प्रकाश देसाई। एक्सप्लेनेशन: उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC कमेटी की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को UCC की अंतिम रिपोर्ट सौंपी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार 5 फरवरी को इसके संबंध में विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी। अगला प्रश्न:
भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहां किया जाएगा? ए पठानकोट, बी इंदौर, सी श्रीनगर, डी जैसलमेर। आंसर डी जैसलमेर। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन करेगी। वायु शक्ति अभ्यास का अंतिम संस्करण 16 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। वायुसेना की इस एक्सरसाइज में इस वर्ष स्वदेशी विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान भाग लेंगे। अगला प्रश्न, किस राज्य में स्मार्ट पॉलिसी के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? ए पंजाब, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। आंसर सी उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने स्मार्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है। पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हरिद्वार में पुलिस सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर से गश्त करेगी। ये स्कूटर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा दान में दिए गए हैं। उत्तराखंड हिमालय से घिरा उत्तरी भारतीय राज्य है। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था? ए श्रीलंका, बी वेस्ट इंडीज, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर बी वेस्ट इंडीज। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट शतक वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू मैच में लगाया था। यशस्वी जायसवाल ने विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के दूसरे टेस्ट के पहले दिन अपने करियर का दूसरा शतक बनाया। उन्होंने 209 रनों की पारी खेली, जो उनका टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर भी है। पहले टेस्ट मैच में जीत के साथ इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे है। हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? ए यूएई, बी साउथ अफ्रीका, सी रूस, डी जापान। आंसर डी जापान। एक्सप्लेनेशन, जापान के फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालक टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेपको ने वित्त वर्ष 2024 में संयंत्र से लगभग 54,600 टन परमाणु दूषित पानी को समुद्र में छोड़ने की योजना बनाई है। रिपोर्ट के अनुसार इसे 1 अप्रैल 2024 से शुरू कर 31 मार्च 2025 तक 7 चरणों में प्रशांत महासागर में छोड़े जाने की योजना है। अगला प्रश्न, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए वाराणसी, बी जयपुर, सी लखनऊ, डी पटना। आंसर सी लखनऊ। एक्सप्लेनेशन, 12 फरवरी से 16 फरवरी 2024 तक लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट LPDM का आयोजन किया जाएगा। इस बार इस मीट की मेजबानी रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा किया जाएगा। LPDM की केंद्रीय समन्वय समिति ने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी RPF को सौंपी है। अगला प्रश्न, इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 30 जनवरी, बी 31 जनवरी, सी 1 फरवरी, डी 2 फरवरी। आंसर सी 1 फरवरी। एक्सप्लेनेशन, भारत में इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य तटरक्षक बल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। 18 अगस्त 1978 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? ए सूरत हवाई अड्डा, बी जोरहाट हवाई अड्डा, सी बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, डी डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा। आंसर ए सूरत हवाई अड्डा। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। पिछले दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे पर 353 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए LABHA योजना शुरू करने की घोषणा की है? ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी झारखंड। आंसर बी उड़ीसा। एक्सप्लेनेशन, ओडिशा में लगभग 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। LABHA लघु बांग जातिया द्रव्य क्रय का संक्षिप्त रूप है। लघु वन उपज MFP के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP है। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ए ओलेग कोनोनेंको, बी स्कॉट केली, सी एंड्रू मॉगन, डी क्रिस्टीना कोच। आंसर
ए ओलेग कोनोनेंको। एक्सप्लेनेशन: रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ओलेग कोनोनेंको ने हमवतन गैनेडी पडलका द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ओलेग कोनोनेंको ने पहली बार साल 2008 में पहली स्पेस यात्रा की थी। अगला प्रश्न: फरवरी 2024 में लालकृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ए परमवीर चक्र, बी भारत रत्न, सी पद्म विभूषण, डी पद्म भूषण। आंसर: बी भारत रत्न। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न: उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? ए गगनयात्री, बी एस्ट्रोनॉटुला, सी व्योममित, डी व्योमनॉट। आंसर: सी व्योममित। एक्सप्लेनेशन: महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र इस वर्ष की तीसरी तिमाही में इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। जीवन समर्थन, संचार और अंतरिक्ष यान का परीक्षण करके व्योममित्र भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुगम यात्रा सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न: उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इंदु मल्होत्रा, बी रूमा पाल, सी हिमा कोहली, डी ऋतु बाहरी। आंसर: डी ऋतु बाहरी। एक्सप्लेनेशन: उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को शपथ दिलाई। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी का स्थान लिया। पिछले साल अक्टूबर में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न: यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ए पुर्तगाल, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी इटली। आंसर: सी फ्रांस। एक्सप्लेनेशन: NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा की है कि UPI उपयोगकर्ता अब पेरिस में एफिल टॉवर के लिए टिकट खरीद सकते हैं। फ्रांस भारत से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। इसके लिए NIPL ने फ्रांस की लायरा ई कॉमर्स से साझेदारी की है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने साल 2016 में UPI को लॉन्च किया था। किस प्रमुख भारतीय संगीतकार, जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा है, ने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता? ए हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति, बी सोनू निगम और श्रेया घोषाल, सी शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, डी ए आर रहमान और लता मंगेशकर। आंसर: सी शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। एक्सप्लेनेशन: शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति ने अपनी नवीनतम रिलीज दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न: इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ए बिहार, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। आंसर: बी गोवा। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया, जो देश के ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधियों सहित 35000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न: देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गयी? ए पटना, बी हैदराबाद, सी जयपुर, डी वाराणसी। आंसर: बी हैदराबाद। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 100,000 प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे। अगला प्रश्न: नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? ए अनुराग ठाकुर, बी एस जयशंकर, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी धर्मेंद्र प्रधान। आंसर: डी धर्मेंद्र प्रधान। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 प्रतिभागियों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न संगठनों के 100 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न: पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी काठमांडू, सी कोलंबो, डी ढाका।
आंसर ए नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और श्री खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक आयोजित की जा रही है। बिम्स्टेक की स्थापना साल 1997 में की गई थी। इस ग्रुप में 7 बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड देश शामिल है।